रीवा में एक बार फिर बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला चौरहटा इलाके का है। यहाँ जब कांग्रेस की रैली निकल रही थी तब रोड पर तीन लड़के एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। रैली में शामिल एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद चौरहटा थाना आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के धार रोड पर गिट्टी खदान में नगर निगम कर्मचारियों ने आस्था का अपमान किया है। सोमवार को यहां पर निगम अफसरों की मौजूदगी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था। जैसे ही अधिकारी वहां से हटे तो कर्मियों ने ट्रक और जेसीबी के अंदर से ही तालाब में मूर्तियों को फेंकना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने पहले से इंदौर का होने से इनकार कर दिया, फिर बाद में इसकी पुष्टि की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश के मैदानी अफसरों को सख्त हिदायत दी है। शिवराज ने सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन अफसरों ने पीएम आवास योजनाओं में पैसे लिए हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाल ही में रहगांव में जनदर्शन यात्रा के दौरान मुझे शिकायत मिली थी, मैंने जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, अब उन पर जांच भी बैठा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे ब्यूरोक्रेसी को लेकर विवादास्पद बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, ये कौम तो हमारी चप्पल उठाने वाली होती है। ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की सीएम और केंद्र में मंत्री रही हूँ। ब्यूरोक्रेट वही फाइल लेकर आते हैं जो उन्हें बताया जाता है। रतलाम में रविवार को ही मूसलाधार बारिश का पानी तो उतर गया है, लेकिन आफत की बारिश अपने निशान पीछे छोड़ गई है। शहर में करीब 20 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना ईश्वरनगर क्षेत्र के लोगों को करना पड़ा। सीधी जिले के धनहा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलसे बच्चों की सोमवार को मौत हो गई। बच्चे मवेशी लेकर खेत गया था, जहां रविवार को बारिश के साथ गिरी बिजली की चपेट में बच्चा आ गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे रीवा संजय गांधी मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। खंडवा में सोमवार शाम 4 बजे से अचानक तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश के चलते शहर की सड़कें जलमग्न हुई तो तीन पुलिया में बहाव आ गया। पुलिया से निकल रहे बाइक सवार चाचा ससुर दामाद पानी में बह गए। बाइक पुलिया की रेलिंग में जा फंसी।